बिजनौर कबड्डी में आपका स्वागत है। बिजनौर 8 महीने पहले दिल्ली में एक बेक फैक्ट्री में आग लगने से जहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे में बिजनौर जनपद के रायपुर शादा थाना क्षेत्र के टांडा माई दास के रहने वाले मुशर्रफ दिल्ली में 10 वर्ष से रहकर फैक्ट्री में बेक बनाने का काम भी कर रहे थे। फैक्ट्री में आग लगने पर मृतक मुशर्रफ ने गांव में रह रहे अपने दोस्त को फोन करके बताया था कि बिल्डिंग में आग लग गई है, उसका बचना मुश्किल है। इस हादसे में मुशर्रफ की मौत हो गई थी और मृतक अपने पीछे पत्नी और बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया था। आज 8 महीने बीतने के बावजूद भी मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। टांडा माई दास का रहने वाला मृतक मुशर्रफ दिल्ली में 10 वर्षों से बेक बनाने का काम फैक्ट्री में कर रहा था। मुशर्रफ की पत्नी इमराना मां रहमत और बच्चों गांव में ही रह रहे हैं, जबकि मुशर्रफ काफी समय से दिल्ली में इस काम को करके अपने बच्चों का और घर वालों का पेट पाल रहा था। अचानक से फैक्ट्री में आग लगने के बाद मुशर्रफ ने गांव के अपने एक दोस्त को फोन करके बताया था कि वे आग में घिर चुका है और उसका बचना मुश्किल है। हादसे के समय मृतक मुशर्रफ अपने दोस्त से फोन पर काफी रो रहा था। इस हादसे के बाद राजनीतिक दल के नेता भी मुशर्रफ के घर सांत्वना देने पहुंचे थे और आर्थिक मदद देने की बात कही थी, लेकिन 8 महीने बीतने के बावजूद भी मृतक के घर वालों को किसी भी तरह की किसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। मृतक का परिवार आज भी बेबस नजर आ रहा है। मृतक के परिवार को अब भी आस है कि कोई ना कोई उसकी मदद करेगा। सरकारी अमला भी मृतक के परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज अग्रवाल उर्फ सोनित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम टांडा मायदा, जिला बिजनौर, नगीना देहात। अच्छा, ये मुशर्रफ का एक अग्निकांड हुआ था दिल्ली में, जो बिल्डिंग में आग लगी थी, उस वक्त आपसे एक कॉल पे बात हुई थी। जी, क्या बात हुई थी आपसे? बात ये हुई थी कि सुबह 5 बजे समथिंग भाई का फ़ोन आया था और फ़ोन आके उसने कहा मैं आज मरने वाला हूँ और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरी कुछ तो समझ भी नहीं आया था शुरू में क्या कह रहा है, फिर जब उससे मेरी समझ में आया तो मैंने उसको बोला कि वहाँ से भाग जा, कूद जा, शायद वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वहाँ से मैंने उसे कहा भी फायर ब्रिगेडर को फ़ोन कर दे, तो कह रहा है कि नीचे खड़े हैं लोग कर रहे हैं, तो मगर बोला घर से चल दे, हम लोग यहाँ से प्रधान जी, हम और उनके साधु साहब 2-4 बंदे हम जो थे सब साथ में चले गए। कौन भैया मुकी भूरे, हम काफ़ी लोग थे कि हम गए और जाके हमने वहाँ गए तो अरविंद हॉस्पिटल में हमें पता चला कि तो भाई की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, उस वक्त आपसे दिल्ली सरकार से भी बात हुई थी? हाँ। दिल्ली सरकार ने क्या आपको मुआवजा देने के लिए बोला जी? था? दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने 10 लाख की घोषणा की थी, मनोज तिवारी जी ने 5 लाख की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 लाख की घोषणा की। अच्छा, आपको अभी तक मुआवजा नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं। आप कहाँ कहाँ गए हो? हम दिल्ली में हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमने कागज डॉक्यूमेंट्स एक एक पूरा करके हमने सब पहुंचा दिए हैं, अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला? जी, 8 तारीख में 8 महीने हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो? जी, मैं जल्दी से जल्दी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकार से, मेरी गुजारिश है कि मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाए। घर में कितने सदस्य हैं? घर में सदस्य इनके कुल मिला के 6 जने हैं, एक उनकी अम्मी है मुशर्रफ की, एक उनकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, 3 बेटी हैं। घर में पुरुष कोई नहीं है? पुरुष कोई नहीं है, उनके अब्बा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे 1 साल पहले।